दोस्तों, मैं आपका अपना दीपू भाई बैक टू पहाड़ से। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने मेरे पिछला ब्लॉग देखा कि हम उमेश के वहाँ आए थे एक सरप्राइज पार्टी के लिए। स्तुति का प्रमोशन हुआ था और ज़बरदस्त पार्टी करी थी हम लोगों ने। तो अब सभी लोग अपने अपने घर को चले गए हैं, ये लोग अभी निकल ही रहे हैं यहाँ से और मैं थोड़ा लेट निकला क्योंकि मेरा लेट ऑफिस है, तो मैं यहाँ से सीधा ऑफिस जाऊँगा। गुड मॉर्निंग गाइस, तो सब उठ चुके हैं, देख सकते हैं सारे बेड खाली हो गए और सब घर को जा रहे हैं। दीदी रेडी हो चुकी है, फटाफट दीदी घर निकल रही है, सभी ऑफिस जा रही है। जा रही है। ओ, हैप्पी भी छोड़ने जा रहे हैं। ना सुबह सुबह मुझे सोचा कि मेरे भी चक्कर लग जाए। चलो अब हम तो गाइस, ये मैं हम लोग नीचे आ गए एक जिम्मेदार भाई की तरह। उमेश दरवाजा खोलते हुए और सबको सी ऑफ कर रहे हैं। जिम्मेदार भाई गुड मॉर्निंग। जिम्मेदार भाई गुड मॉर्निंग। नमस्कार दी, टाइम है और बहुत अच्छी धूप खिली हुई है अभी मैचों में। और इनके ये जो मैं कल रात दिखा रहा था एक पिछले ब्लॉग में, इसमें पानी चालू हो गया है वाटरफॉल में। ये वाटर पॉइंट है इनका यहाँ पे। उधर ब्रीफिंग चल रही है गार्ड्स की और यहाँ पर बच्चों का स्कूल चालू हो चुका है। कितने अच्छे लग रहे हैं बच्चे स्कूल में, प्लेग्राउंड में। बचपन की याद ताज़ा हो गई इनको देख के। वाह, और कुछ लोग घूम रहे हैं नीचे। अम्मा सुबह की धूप ले रही है, बुढ़ापा शरीर है, धूप लेनी जरूरी है, अच्छी बात है। वहाँ पर प्रेयर चालू हो रही है, देखिए। वाह, पूरा बचपना याद आ रहा है, हम भी ऐसी लाइन में खड़े होते थे। मैं तो आगे भी जाकर नारे लगाता था और पीछे उधर छोटे बच्चों का अलग है। वो दिक्कत आ गई है तो उमेश भाई आज कारीगरी पे लगे हुए हैं सुबह से, सारा तामझाम खोल खाल लिया है। तो आज के कारीगर उमेश भाई हैं। तो अब ब्रेकफास्ट हो रहा है सबका, मैंने कर लिया है, मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। ये सब लोग कर रहे हैं यहाँ पे। आज मम्मी ने लापसी बनाई है, पहाड़ियों की लापसी फेमस है। तो ये है लापसी। लापसी इसमें क्या करते हैं कि दूध में आटा को घुमा घुमा के उसमें फिर घी डाल के इस तरीके से बनाया जाता है। स्टार्टिंग में इसकी दिखा नहीं पाया बट बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है। जो पहाड़ी लोग हैं वो सब जानते ही हैं कि लापसी, हाँ, घी और गुड़ डाल देता है। गुड़ से और अच्छी होती है, कई लोग चीनी भी डालते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त है लापसी, और हेल्दी भी होगी गुड़। हाँ, आज निकल रहे हैं आप, ड्यूटी के लिए निकल रहा हूँ मैं। तो अम्मा भी तैयार हो गई है विदाई करने के लिए मेरी, तो मैं निकल रहा हूँ ड्यूटी को और आगे दिखाता हूँ क्या क्या है। बहुत अच्छा लगा दीदी, थैंक यू सो मच आने के लिए। स्तुति अभी वहाँ जा रही है रामनगर जिम कॉर्बेट घूमने के लिए। मैंने कहा खूब सफारी करना और टाइगर को शूट करके लाना है। कैब हो नहीं रही है और उमेश अभी आगे रास्ते तक मेरे को नेक्स्ट वन में छोड़ने जा रहा है। उसके बाद वहाँ से कैब होती है तो फिर मैं कैब पकड़ूंगा वहाँ से। ये इनकी बेसमेंट में पार्किंग है। तो शाम का समय हो गया है और मैं ऑफिस से निकल गया हूँ और आज दिन भर की जो काफ़ी बिजी शेड्यूल था आज यहाँ की लाइफ, तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ है यहाँ की और गांव ही अपना बहुत बेटर है। और तो लेकिन आज काम था, थोड़ा बहुत ज़्यादा था और बहुत ज़्यादा थी। तो जैसे मौसम चेंज होने लग गया, गर्मी आ गई है, तो मैंने सोचा कि अब निकलते हैं घर को। 6 बज गए थे 6 बजे मेरी छुट्टी हो जाती है और मैंने सोचा ये तो बता दूँ सभी को कि मैं निकल चुका हूँ घर को यहाँ से। और घर आगे चल के क्या क्या होता है, भावना ने क्या तैयारी कर रखी है घर की, तो वो दिखाता हूँ। और क्या क्या इन्जॉय करते हैं घर जाके वो दिखाता हूँ। ये शेड्यूल है यार, आप लोग खुद ही सोच लो कि आपको गांव जाना है या यहाँ रहना है। ये बिजी शेड्यूल है यहाँ का, तो
मैं तो कह रहा हूँ कि भगवान सबको जल्द से जल्द गांव ले जाए और गांव में सभी को खुशहाल रखे, क्योंकि गांव की खुशहाल लाइफ ही सबसे अच्छी लाइफ है। चलते हैं आगे। थैंक यू। गाँव में ऑफिस से घर, और हेमू भी आ रही है यहाँ पे। अभी भी घर पहुँच ही रहा हूँ, ये बैग रख रहा हूँ, तो मैंने भी सोचा कि बता दूँ कि मैं घर पहुँच गया हूँ। और हेमू आ रही है, तो पता नहीं क्या इसकी बहन नाश्ता बनाती है। भूख भी लग रही है बहुत तेज, क्योंकि दिन में 2 बजे लंच हो जाता है, उसके बाद कुछ खाया नहीं है, रास्ते में कुछ खाते नहीं है बाहर का। तो अब देखते हैं भगू क्या बनाती है, तो आपको भी बताता हूँ, मैं भी खाता हूँ। अभी तक वेट कर करके थक गया हूँ, मुझे अभी तक कोई अभी बना के तो इसने दिया नहीं है। भावना ने क्या बना रही है अभी तक पता नहीं है, और हेमू भी यहाँ पर बैठ के बस फ़ोन पर लगी हुई है। तो बताओ क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आया। ड्यूटी से आया इंसान भूखा प्यासा, और बीवी ने अभी तक कुछ बना के दिया नहीं है। आप कमेंट करके ज़रूर बताओ कि मेरे को क्या इसको पनिशमेंट देनी है, ये आपको मैंने बोल दिया है, ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरी तरफ ले जाता हूँ, क्या कर रही है। फाइनली अब उसने पोहा का करा है कि यहाँ पर पोहा खिलाने वाली है आज। कढ़ाई चढ़ा दी है और रखा कुछ नहीं है, बस फालतू की गैस वेस्ट हो रही है। देख लो ये है हालात। अंदर बड़ी भक्त बैठी हुई है, ये देखो ध्यान मग्न, ना कुछ सुनाई मार रहा है ना कुछ सुनने मार रहा है। बस फाइनली पोहा बन के आ गया है, और पोहा बहुत पौष्टिक नाश्ता होता है, क्योंकि इससे क्या है कि एक तो आदमी को कोई रोग नहीं लग सकता, और ये बेसिकली क्या है कि जो घर में चूड़ होते हैं, चूड़ से बनता है चावल को, मतलब वो चावल को जैसे गाँव में पारंपरिक तौर से एक लकड़ी या किसी उससे खींचा जाता है, उसके बाद चूड़ बनता है। तो ये पोहा भी उसी टाइप का ही है, यहाँ पोहा बोलते हैं, गाँव में चूड़ बोलते हैं, और इसमें मूंगफली मिला के बनाया गया है, तो ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। तो खाता हूँ इसे मैं, दे दिया फाइनली भावना ने। रात हो गई है और डिनर तैयार हो रहा है, बक्कू डिनर बना रही है, और बस ही शेड्यूल है यहाँ का, क्या करना है, बस खाओ पियो सो जाओ, खाओ पियो सो जाओ। तो गाँव में होते कुछ करते, ज़रा बलवाखली जाते, ज़रा बलवाखली जाते, ज़रा इससे गप मारते, ज़रा उससे गप मारते, तो समय भी कटता और काफ़ी चीज़ें भी होती है। अब यहाँ तो या तो फिर कंप्यूटर के आगे बैठे रहो, या फिर मोबाइल देखते रहो, या फिर टीवी देखते रहो, और ऑफिस आओ, किसके घर में जाओगे, क्या जाओगे, किससे गप मारोगे, तो बस ऐसी है यहाँ की लाइफ यार। तो बस भगवान से यही प्रार्थना है, जल्द से जल्द हमें पहाड़ पहुँचा दो। मम्मी भी लगी हुई है फ़ोनों में, गाँव में होती तो बलवाखली तलवाखली गप मारती, यहाँ फोन ही फोन है बस। और भावना लगी हुई है अपनी रोटी बनाने में, इधर उसने क्या सब्जी बनाई है, आलू मटर की सब्जी बनाई शायद, और रोटी बेल रही है, लगी बढ़िया फोन में, रोटी बेल रही है। तो ये है यहाँ का काम धाम। मैंने मूवी लगा रखी है, बधाई दो मूवी लगा रखी है मैंने, ठीक है, मतलब टाइम पास करना है, कुछ ना कुछ करना है। यहाँ डिनर आ गया है, और 2 रोटी सब्जी, सब्जी में दही, सब्जी में दही डाल के खाने की ये पहाड़ियों की पहली आदत है, बड़ा मज़ा आता है सब्जी में दही डाल के खाने की। और जिन्होंने नहीं खाया एक बार ऐसे ट्राई करके देखो, मज़ा आएगा। अलग अलग तो दुनिया खाती है, ऐसे खा के देखो, ये अलग ही मज़ा है। पहाड़ों में तो ऐसे ही खाते हैं यार, मज़ा आ जाता है। पहाड़ी टेस्ट कराता रहूँगा, पहाड़ी बताता रहूँगा कैसे कहाँ पर क्या क्या होता है हमारे में। सब्जी खाने का ये अंदाज़ तो बहुत ही अद्भुत है, एक बार ट्राई ज़रूर करना। मैं करता हूँ डिनर अब, मम्मी पानी गर्म कर रही है। डिनर हो गया है, मज़ा आ गया सब्जी खाने में। और ब्लॉग देखने के बाद कौन कौन आलू की सब्ज़ी में दही डाल के खाता है कमेंट करके ज़रूर बताना, और कैसा मज़ा आ रहा है ये भी बताना। अगर मम्मी डिनर कर रही है, तो जो मैंने ये क्वेश्चन किया है कि आलू की सब्ज़ी में दही डाल के खाना, जो हम पहाड़ी लोग खाते हैं, तो आप भी एक बार ट्राई करना, और मेरे को बताना ज़रूर कमेंट करके कि आपको ये मज़ा आया नहीं आया। बहुत मज़ा आएगा, ट्राई जरूर करना। हो गया था मेरा, और ये आ गए हमारे डोरू। डोरू रात को कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ हैं, कहाँ से आ रहे हो? घर से। डिनर हो गया? मैंने शौर्मा खाया। शौर्मा किसका बनाया था? पनीर। पनीर का किसने बनाया था? बनाया नहीं था, बाहर से लेके आए। बताओ बाहर का खाना खाते हैं ये जोशी हैं? और कहाँ तेरे डैडू और मम्मू? मासी भी आई है। हैं? ओ माय गॉड, देखो हेमू गई थी, दोबारा आ गई, और साथ में नीतू और डुगू को भी ले आई। डुगू ओए ओए, शाबाश, खुश रहो, जय हो।
और दादी के सो इधर आओ। छोरा आई, मस्ती लाई और धमाल मचाने लग गई। और ये देखो, ये हमारा कार्टून बच्चा, ये तो पूरा जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, बोलो डुगू। यो भगवान जय श्री राम, जोर से डुगू जय श्री राम। केजरीवाल का भगवान लगाएगा हम। डुगू जय श्री राम, हमारी गली में लगाओगे तुम झाड़ू या जोशी हो, हमारी गली में लगाओगे, हमारी गली में भी तुम झाड़ू लगाओगे। भाई साहब कर दिया था अभी धमाल, डुक्कू ने कर दिया था धमाल अभी डोरा का, हरियाणा पहुंचा दिया था उसने तेरे को। ओए नहीं धक्का नहीं, ये भाई बहन जब भी देखो लड़ते रहते लड़ते रहते लड़ते रहते। ओ जय श्री राम, जय श्री राम। यो यो ये। दो लगा इसके, दो लगा। फुल मस्ती कर रहे हैं यार बच्चे, बच्चे घर में हो तो शैतानी होती रहती है और मजे आते रहते हैं, यही लाइफ है। ये यही लाइफ है, यही लाइफ है, यही लाइफ है। मस्ती हो गई है, बच्चा सो गया है यहाँ पे और सब निकल रहे हैं, रात के बज गए हैं 10:30। अब सब जोशी फैमिली कह रही है अब हम सो जाते हैं, तो हमने बोला इनसे ठीक है बाय बाय जाओ सो जाओ। अब हम खाएंगे खाना, खाना इससे अभी खाना नहीं खाया अभी कहा। अरे जोशी झूठ बोल रहा है, मणि मणि ले गया, दिख रहा है। डोरा बताया कि डोरा ने बता दिया था मेरे को कि शोरमा खाया था और अकेले अकेले खाया, हमारे लिए नहीं लाए, सोर के आ गए। हमारे पास आज तक है जो बता देती है हमको सब कुछ, बच्चा सो गया है अभी तक, यो यो कर रहा था यो यो सो गया है। जय श्री राम। तो ये सभी लोग चल रहे हैं फिर, ओके बाय डोरा, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। तो ये थी हमारी फैमिली मस्ती जो आपने देखी, आई होप आपको काफी पसंद आई होगी और ऐसी मस्ती ड्रामा देखते रहोगे। और बैक टू पहाड़ चलना है मुझे नहीं सबको, और यही प्रण करना है, बार बार यही दोहराना है कि बैक टू पहाड़ चलना है, बैक टू पहाड़ चलना है। तो ऐसे ही इंजॉय करते रहिए हमारे ब्लॉग, मजे लेते रहिए, धमाल मस्ता रहेगा, हंसी आती रहेगी, इंजॉय करते रहोगे। सब्जी वाला मेरे को जरूर बताना कमेंट करके जो मैंने पूछा था, और ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं कल सुबह 9 बजे एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आपका अपना दीपू भाई बैक टू पहाड़ से, जय हिंद जय दीपू।